हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एयरफोर्स नेवी स्टडी पर। तो अब सभी को जानकारी होगी कि नेवी डबल ए और SSR की मेरिट लिस्ट है वो आज आने वाली है, और आज शाम को लगभग 5 से 6 बजे के बीच आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो अपलोड कर दी जाएगी। तो आपको इस मेरिट लिस्ट आएगी तो जिन बच्चों की मेरिट लिस्ट आएगी उनको किस प्रकार है वो देख सकते हैं कि कैसे उनका जो नाम है आया है नहीं आया है मेरिट लिस्ट में। तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह आपको चेक करना है। और यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट कर जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपको यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको हर इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले पहुँचेगी। नेवी एयरफोर्स से संबंधित हर लेटेस्ट अपडेट और हर न्यूज़ और स्टडी मटेरियल आपके इस चैनल पर प्रोवाइडेड होगा। तो नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और जिनको भी नेवी SSR का यदि आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको कमेंट कर बता सकते हैं, आपकी ईमेल ID और पासवर्ड भेज सकते हैं, हम वो आपका रिजल्ट है वो बता देंगे। फिर यहाँ पर देखिए, आपको सबसे पहले यदि आपको रिजल्ट चेक करना है तो किस तरह आप रिजल्ट चेक करेंगे, क्योंकि मैं बता दिया 5 से 6 बजे के बीच आएगी या रात को 10 बजे आपकी है वो आएगी आपकी SSR की मेरिट लिस्ट। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा, और इस पर आप नीचे जाएंगे और आपको यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको ईमेल एड्रेस डालना है, फिर पासवर्ड डालना है, और इसके बाद आपको कैप्चा कोड डालना है। तो देखिए, सबसे बच्चे ज़्यादा यहाँ पर गलती क्या करते हैं कि भाई पासवर्ड आपको नेवी के पासवर्ड डालने जो कि @1234 या फिर आपके नाम से स्टार्ट होते हैं ऐसे, न कि आप ईमेल ID के पासवर्ड डालें, तो वो यहाँ पर गलत होंगे। और जिनके पासवर्ड यदि याद नहीं है तो अभी से वीडियो को यहाँ पर आपको क्या करना है कि आप इम्प्रूव फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर आप इन आप नए पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उस समय क्या है बहुत ज़्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम होगी और साइट ज़्यादा हैंग होगी तो आपको वहाँ पर आपका रिजल्ट देखने में दिक्कत आएगी। तो इसके बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको ईमेल एड्रेस और पासवर्ड यहाँ पर डालना है। जैसे आप यहाँ पर ईमेल ID और पासवर्ड डाल देते हैं तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस है वो सामने आ जाता है। और आप यहाँ पर देखिए, आपको सबसे पहले जाना है यहाँ पर इस तरह एप्लीकेशन स्टेटस पर। जैसे आप एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा और आपको सबमिटेड पर ही जाना है। जैसे आप नीचे जाएंगे तो आपके यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा, लास्ट में सबसे नीचे जाएंगे तो SSR का जो एक साथ फॉर्म फिल हुए थे उसके एक साथ रिजल्ट आया था उस तरह की इन्फॉर्मेशन, उस तरह का बॉक्स आपको देखने को मिलेगा। इस पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, व्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप व्यू पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। और फिर आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको जैसे ही आपकी मेरिट लिस्ट आएगी तो उस समय आपके जैसे फर्स्ट 2 पॉइंट ग्रीन है तो 3rd भी ग्रीन मिलेगा, 4th भी ग्रीन मिलेगा और 5th भी ग्रीन यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर आपकी जो कट ऑफ है वो पुरानी कट ऑफ है, और यहाँ पर राजस्थान की जो नई कट ऑफ है SSR के लिए वो यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। और साथ ही यहाँ पर आपके डाउनलोड मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी, वहाँ पर आप क्लिक कर जैसे इस तरह का डाउनलोड है इस तरह का डॉट निशान देखकर वहाँ पर डाउनलोड के ऑप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप मेरिट लिस्ट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, और यदि किसी को किसी भी प्रकार से नेवी एयरफोर्स से संबंधित कोई डाउट है तो पूछ सकता है। और आपकी जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगी और उसमें कितनी कट ऑफ जाएगी तो यहाँ पर कट ऑफ के लिए भी इंपॉर्टेंट बात कर सकते हैं। तो कट ऑफ देखिए डबल ए की है, वो आपकी सेंटर वाइज जाती है, यानी कि पूरे ऑल इंडिया की एक कट ऑफ जाती है। तो वो लगभग अब की बार जो कट ऑफ रहने का अनुमान है वो 50 से अबव रहने का अनुमान है। और SSR की जो कट ऑफ है, यदि राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान की जो सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ की बार जा सकती है तो SSR की वो 49 या 48 से 50 के बीच में जा सकती है, 48 से 50 के बीच में जा सकती है। तो यदि किसी स्टेट की आपको कोई भी कट ऑफ की जानकारी प्राप्त करनी है तो कमेंट कर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।